हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.9 को कंप्लीट करा था वन शॉट के अंदर, तो आज इस वीडियो में हम क्या लेके आए हैं? एक्सरसाइज 7.10 को। बेटा एक्सरसाइज 7.10 हमारी बेसिकली 7.9 का ही कहते एक पार्ट है, बट सारे क्वेश्चन हमें किससे करने हैं? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपने एक्सरसाइज 7.2 में देखा था, ठीक है, वही यहाँ पे देखना है। मतलब अगर मैं इस तरीके से बात करूँ तो 7.9 में आपके मिक्स क्वेश्चन आए थे सभी के, 7.10 में आपके मिक्स क्वेश्चन आने वाले सभी एक्सरसाइज के, ठीक है, अप टू 7.7। बट कैसे करना है आपको? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो फिर एक्सरसाइज 7.10, ठीक है बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है हमें यहां पर, वो है एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और ये है 0 से लेके 1 तक के लिए, ठीक है। देखो बेटा, हमने बहुत बार क्वेश्चन ऐसे करा जहां पे भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो नीचे वाले पार्ट को लेट करते थे, ऊपर वाला पार्ट अपने आप मिल जाता, वही करना अभी भी। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी कर दिया, अब क्या करेंगे? 2x dx is equal to dt, तो x dx की वैल्यू आपकी क्या आ गई बेटा? dt by 2, ठीक है, ये काम हम तब तक कर दिया। लेकिन अब क्या करना है? जो आपने t पुट करा है ना, आपको आपसे t की, आपको आंसर p की वैल्यू में लेके आना है, ठीक है। अब देखो पहले क्या था, x में लेके आ रहे हो तो x में लेके जाओ, यहाँ पे क्या है, अगर आप t में लेके जा रहे हो t से इंटीग्रेशन कर दो, लेकिन t की लिमिट पुट करो, तो t की लिमिट कैसे निकालोगे? देखो यहाँ से बेटा, क्या मैं t को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, तो एक बार आप पुट करिए यहाँ पे 0, तो t इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अगली बार पुट करिए 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब इस बार आपकी लोअर लिमिट 1 हो जाएगी जब आपने 0 पुट करा, और अपर लिमिट आपकी क्या हो जाएगी? 2, ठीक है। तो ये है आपका सब कुछ, ये आपको अब यहाँ पे लेके चलना है। चलो तो x dx की वैल्यू कितनी है? dt by 2, 1 by 2 बाहर आया। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इसकी मैंने क्या करा? t करा, लिमिट चेंज कर दो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर क्या होता है बेटा? इसका आंसर है log t, तो एक बार 2 और एक बार 1, इसका मतलब 1/2, यहाँ पे क्या आएगा? log 2 माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? 0, तो इसका मतलब 1/2 log 2, तो ये आंसर रहेगा किसका? क्वेश्चन नंबर 1 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में बोला गया है बेटा 0 से लेके पाई बाय 2 है, अंडर रूट साइन फाई आया यहाँ पे, अच्छा, और कॉस फाई फाई, और यहाँ पे डी फाई, मतलब यहाँ पे x को हटा दिया गया है, t भी नहीं है, टीटा भी नहीं है, वह फाई लिया है, तो डरना तो है नहीं हमें, कोई भी आ जाओ, फाई आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, ठीक है। क्या करेंगे देखो बेटा, इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 0 से लेके पाई बाय 2 साइन फाई, बेटा ये क्या है, ऑड पावर में, ऐसे इवन पावर में बनाओ, मतलब कॉस 4 फाई लिख सकता हूँ मैं एक जगह, और एक जगह क्या लिख सकता हूँ? कॉस 5, इस तरीके से लिख दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। चलो अब क्या कर सकते हैं हम, 0 से लेके पाई बाय 2 ये हो जाएगा मेरा साइन फाई, यहाँ से क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर फाई का स्क्वायर लिख सकता हूँ? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप, गलत क्या है इसमें। अब क्या करेंगे 0 से लेके पाई बाय 2, बेटा इसकी जगह देखो जरा, ये तो ऐसी रहने वाला है अभी, इसमें चेंज नहीं करना, इसे क्या कर सकते हो, इसको साइन के टर्म में लिख सको, इसको साइन के टर्म में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का स्क्वायर, यही तो हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर, यही तो होता है, चलो डॉट कॉस फाई। तो अब हमारा क्वेश्चन तैयार हो चुका है, अब लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे? देखो ऐसी कोई टर्म जिससे दूसरी चीज़ बन जाए, अगर मैं साइन फाई को लेट करता हूँ तो क्या कॉस फाई डी फाई बन जाएगा? बिल्कुल सही, तो करो तो लेट साइन फाई इज इक्वल टू क्या? टी, तो यहाँ से बेटा क्या होगा? cos phi d phi इज इक्वल टू डी टी आ गया, अच्छा, तो यहाँ से अब t की वैल्यू निकालो, t की वैल्यू क्या होगी? sin phi, तो आगे क्या होगा, पुट करो आगे वैल्यू, t इज इक्वल टू sin, एक बार 0, sin 0 की वैल्यू 0, एक बार t इज इक्वल टू sin pi by 2 कितना हो जाएगा बेटा? 1, इसका मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें मिल चुकी है। तो क्वेश्चन हमारा अब क्या होगा, देखो 0 से लेके 1 ये क्या हो जाएगा? रूट टी, क्या हो जाएगा बेटा? रूट टी आ गया यहाँ पर, चलो टी तो ना यहाँ पे रूट टी, अब ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा? डी टी।
ये क्वेश्चन बन चुका है हमारा, इसे सॉल्व करना है। चलो करते हैं इसे भी। बेटा क्या मैं इसे टी की पावर 1/2 लिख सकता हूँ? तो 0 से लेके 1 टी की पावर 1/2, इसका स्क्वायर ओपन कर दो तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 - 1 + t^4 - 2t^2, यही तो आएगा। ठीक है, यहाँ से डी टी। अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना है, ये 1/2 यहाँ नहीं है, ये तो 1 ही है। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा क्या होगा, टी की पावर 1/2 आ जाएगा प्लस टी की पावर, बेटा देखो एक जगह टी की पावर 4 है और एक जगह टी की पावर 1/2 है, तो पावर क्या हो जाती है, 8। तो 1/2 क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये देखो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 9/2। भाई ये कितना होगा, 8 + 1 = 9 - 9/2 -2t^2, तो मतलब कि 2 + 1/2 कितना होगा बेटा, 4 + 1 = 5/2, ये टी टी। ठीक है, इतना क्वेश्चन हमारा हो चुका है। चलो अब क्या करें, इंटीग्रेशन कर दो बस। टी की पावर 1/2 का क्या होगा, टी की पावर 3/2 हो जाएगा, बाय 3/2 प्लस टी की पावर बेटा 9/2 + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 11/2, नीचे भी 11/2 -2 बेटा कितना हो जाएगा, 7/2। कैसे भाई, 5/2 + 1, वो 2 वहाँ चला जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 7/2, यहाँ पर एक बार 1 और एक बार 0। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन मैं थोड़े से कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा है, उसे और सिंपलीफाई करें तो 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस 2/11 टी की पावर 11/2 माइनस 2/7 एक मिनट, ये यहाँ पर टी की पावर चल रही है ना, ये टी की पावर चल रही है, तो 2/7 × 2 और टी की पावर 7/2। अब आपको अपनी लिमिट्स पुट कर दीजिए, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। तो बेटा मैं पहले अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ, 2/3 1 की पावर 3/2 प्लस 2/11 1 की पावर 11/2 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, 4/7 माइनस 4/7 और 1 की पावर 7/2। ठीक है, अच्छा बेटा जब मैं माइनस करने जाऊँगा, ये तो अपर लिमिट हो गई, ध्यान समझना, 0 की पावर 3/2 0, इसकी पावर तो सारा चीज हम क्या लिख सकते हैं, 0 + 0 - 0। ठीक है ना भाई, 0 की पावर कितनी भी कर लो सब 0 रहने वाला है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब हमें इसको सॉल्व बनाना है बस इसको। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ बेटा, ज़रा देखो हमें कैसे स्टार्ट करा था, इवन ऑड पावर थी, क्या कर दिया, 4 और सिंगल पावर में तोड़ दिया, यहाँ से स्क्वायर करा, इस तरीके से करते चले गए। ठीक है, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब क्या करेंगे बेटा, इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, तो ले आओ 2/3 + 2/ भाई 1 की पावर कितनी भी हो बेटा 1 ही आना है, प्लस 4 माइनस का 4/ इन तीनों का एलसीएम बेटा नहीं बता तो क्या करो, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, यही होगा। देखो जरा तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, कर दो। चलो तो इसका मतलब 2 × इन दोनों की मल्टीप्लाई 77 प्लस 2 × इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 21 माइनस 4 × 33, यही तो आएगा। चलो 2 × 77 कितना हो जाएगा बेटा 154 प्लस 42 माइनस 4 यहाँ से आएगा 132 अपॉन ये क्या होगा 3 × 33 × 7 मतलब कि 231। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं ज़रा, ये कितना हो जाएगा 6, देखो ना 4 × 2 = 6 5 × 4 = 9 196 माइनस 132 अपॉन 231, 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे आया 6, 64 अपॉन 231, ये हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड को, तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड एक बार ध्यान से देखो, हमने कहीं और भी करा है किसी और एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है पहचानो। चलो नहीं पहचान पा रहे तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे हमें लेट करना है जो एक्स है हमारा, लेट साइन 2θ का फॉर्मूला बनाना था, तो वो क्या होता है टेन की फॉर्म में होता है, लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा कर दिया आपने, तो dx की वैल्यू क्या आएगी, sec स्क्वायर थीटा dθ, आ गया इतना पार्ट। अच्छा अब यहाँ से क्या मैं tan थीटा इज इक्वल टू एक्स हो गया, तो बेटा एक बार x की वैल्यू पुट करो, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0, बेटा ये कब होता है tan थीटा इज इक्वल टू tan 0 पे, तो 0 की थीटा की वैल्यू कितनी आई, 0, एक वैल्यू आ गई आपके पास।
अगली बार और निकालो, तो टेन टीटा इज इक्वल टू टेन वन, ये कब होती है, ये यहाँ पे बनाएगा, तो टेन टीटा इज इक्वल टू कब होती है, पाई बाय फोर पे होती है, टीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, सेकंड वैल्यू पाई बाय फोर, चलो पुट करा दो, ये सब चीज़ तो हमारी अलग है, तो जीरो और पाई बाय फोर यहाँ पे आ जाएगा, साइन इनवर्स ऐसी रहने वाला है, इसका कोई चेंज नहीं आना है, टू टेन टीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर टीटा, डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, डी एक्स की जगह लिखेंगे हम यहाँ पर सेक स्क्वायर टीटा डी टीटा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर वॉश वॉश हो गया, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है साथ में, जरा देखो बेटा ये क्या बन रहा है, हमारा फॉर्मूला बन रहा है पाई बाय फोर साइन इनवर्स साइन टू टीटा का फॉर्मूला है ये यहाँ पर, तो सेक स्क्वायर टीटा डी टीटा, साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो से लेके पाई बाय फोर टू टीटा सेक स्क्वायर टीटा डी टीटा, टू बाहर ले जाओ, जीरो से लेके पाई बाय फोर टीटा सेक स्क्वायर टीटा डी टीटा, बाय पार्ट्स लगेगा, अब बताओ आई लेट, आई लेट तो आई से इनवर्स, एल से लॉग, ए से एलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये क्या बनेगा फर्स्ट और ये क्या बनेगा हमारा सेकंड, इसके ऊपर अब हमें लगाना है बाय पार्ट्स, चलो तो लगाते हैं कैसे होगा, देखो बेटा टू को तो बाहर ही रखो, दूसरा तो कोई लेना ही देना नहीं है, ठीक है, पहले क्या आता है देखो जरा, यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट ऐसे रहने वाला है, इसका होगा सेक स्क्वायर टीटा डी टीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डी टीटा, इसका टीटा के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे अगेन सेक स्क्वायर टीटा और यहाँ पे डी टीटा एंड अगेन यहाँ पर डी टीटा, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, जीरो से लेकर पाई बाय फोर, ठीक है, इस तरीके से ये है, तो टू बेटा टीटा ऐसे ही सेक स्क्वायर से क्या होगा टेन टीटा माइनस, इसका क्या होने वाला है वन, ठीक है, इसका तो वन होगा, इसका भी क्या आएगा फिर से टेन टीटा यहाँ पे डी टीटा पाई बाय फोर जीरो, तो बेटा टू टीटा टेन टीटा इसको करोगे तो क्या होगा, ये तो वन टेन टीटा ही है, क्या आता है लॉग सेक टीटा पाई बाय फोर जीरो, अब पहले स्पुट कर दो बस एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट टू, तो यहाँ पे आएगा पाई बाय फोर टेन पाई बाय फोर माइनस लॉग सेक पाई बाय फोर, आ गया बेटा इतना माइनस, अब क्या करेंगे जीरो, तो जीरो देखो जीरो की मल्टीप्लाई जब यहाँ पे करोगे तो सब कुछ जीरो ही होना है, लेकिन मैं जब भी लिख देता हूँ तो सेक जीरो, और सिंप्लीफाई करेंगे इसे, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे इसको, पाई बाय फोर ऐसी रहेगा, टेन पाई बाय फोर की वैल्यू वन माइनस लॉग सेक पाई बाय लॉग सेक पाई बाय फोर की वैल्यू कितनी होगी, तो कॉस, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा रूट टू आ जाएगा, ठीक है, कॉस पाई बाय फोर की वैल्यू कितनी होती है वन बाय टू, वन बाय रूट टू, तो वहाँ से आएगा रूट टू, ठीक है, चलो माइनस ये जीरो हो गया, ठीक है, इसे आ जाओ यहाँ पर, ये हो जाता है हमारा लॉग सेक वन की वैल्यू होती है लॉग वन, कितनी बेटा लॉग वन, ठीक है, यहाँ से सेक जीरो की वैल्यू वन आ गई, तो हमें पता है उसकी उसका क्या होने वाला है, अभी लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है, तो लॉग रूट टू ये जीरो हो जाएगा हमारा, हमारे पास ये बचा बेटा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पे जब जाएगा तो क्या बचेगा पाई बाय टू, भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कट गया माइनस टू लॉग, बेटा क्या मैं इसे टू की पावर वन बाई टू लिख सकता हूँ, अब मुझे बताए लॉग एन एम क्या होता है, अगर लॉग एम की पावर एन है तो एन आगे आ जाएगा लॉग एन एम हो जाता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पाई बाय टू माइनस टू इंटू वन बाय टू लॉग टू, ये पावर आ गया अभी, तो टू से टू कट गया, तो बेटा हमारा आंसर यही बनेगा, हम बेसिकली आ चुका है आंसर, तो हमारा कहाँ पे लिखा जाए आंसर, चलो मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, इसके बाद हमारा आंसर जो है वो है पाई बाय टू माइनस लॉग, ठीक है ना, चलिए आगे समझ में कैसा क्वेश्चन हुआ, अच्छा क्वेश्चन था बहुत ही, हमने ये क्वेश्चन पहले भी देखा है, ठीक है, वहाँ पे हमने बस बेटा आंसर जो निकाला था ना वो यहाँ तक निकाला था, ठीक है, वापसी पुट करनी थी वैल्यू, सारी वैल्यूज आ चुकी थी, टेन इनवर्स बहुत सारी चीज़ें आई थी वहाँ पर, लेकिन जब वैल्यू ये वाला पार्ट हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हुआ, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 4, 0 से लेकर 2 एक्स एक्स प्लस 2। हिंट भी दे रखा है कि x प्लस 2 को टी स्क्वायर पुट करो। भाई हम क्यों बोले टी स्क्वायर पुट, हम जिस तरीके चलते आ रहे थे ना, हम तो उस तरीके चलेंगे। तो लेट x प्लस 2 इक्वल टू, हम तो टी करेंगे भाई, अभी भी टी स्क्वायर वगैरह नहीं करना। देखो बेटा यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से इसे कर क्या आएगा डी एक्स, और इसका क्या आएगा डी टी। डी एक्स की वैल्यू फिर यहाँ आ गई डी टी। अच्छा क्या यहाँ से तुम बेटा वैल्यू निकाल सकते हो x की, वो कितनी होगी टी माइनस 2। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, हमारे पास x भी तो है टी माइनस 2। अब यहाँ से निकालो x t इज इक्वल टू x प्लस 2, तो एक बार जीरो पुट करोगे तो क्या होगा 0 प्लस 2, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो t आ गई, और एक बार पुट करोगे तो 2 प्लस 2 कितना आ गया 4 आ गया, तो अपर लिमिट ही मिल गई, लोअर लिमिट मिल गई। तो ये हो जाएगा 2 से लेके 4 x की वैल्यू t माइनस 2, x की वैल्यू t माइनस 2 आपने पुट कर दी, ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट टी, डी एक्स की जगह डी टी। समझ में आया, बहुत सिंपल सा। अब क्या करें, 2 से लेके 4 अंदर मल्टीप्लाई करें तो टी की पावर कितनी हो जाएगी 3 बाय, भाई ये क्या है, ये पावर क्या है, इसे मैं चाहो तो यहीं पर लिख सकता हूँ क्या 1/2, यही तो हुआ। जब अंदर जाएगा तो क्या होगा बेटा, इसकी पावर ऐड हो जाएगी 3/2 माइनस 2 की पावर 1/2, इस तरीके से आ गया। अब तो बस आपको बताइए आपको क्या करना है, तो टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, एक बार यहाँ 4 एक बार यहाँ पर 0, से सिंप्लीफाई करो तो 2 अपॉन 5 टी की पावर 5/2 माइनस, ये हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 3, भाई 2 ऊपर जाएगा ना, तो टी की पावर 3/2, इस तरीके से हमारा कुछ हो जाएगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे 2। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कराते हैं, तो एक बार अपर लिमिट 2 अपॉन 5 इंटू 4 की पावर 5/2 माइनस 4 अपॉन 3 4 की पावर 3/2, ये तो बेटा अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट में यहाँ लिख रहा हूँ, तो 2 अपॉन 5 2 की पावर 5/2 माइनस 4 अपॉन 3 2 की पावर 3/2, इस तरीके से होगा। अब बेटा देखो क्या है, मैं सिंपलीफाई करना है 2 अपॉन 5, क्या मैं इसे ये 2 अपॉन 5 कहाँ चला गया, okay. 2 अपॉन 5 इंटू, बेटा क्या मैं इसे 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और उसकी पावर कितनी है 5/2, तो कट जाएगा आगे समझ में क्या करना था, माइनस 4 अपॉन 3, क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 3/2, तो ये भी कट जाएगा, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ नीचे माइनस के अंदर टर्म ले आओ, तो 2 अपॉन 5 बेटा यहाँ लिखकर 2 की पावर 5/2, देखो 5/2 कैसे बना होगा भाई, ये 5/2 हमने अभी तो बनाया था, कैसे बना था, जब हमारी पावर कितनी थी 3/2, जब समझो यहाँ पर अगर ये टी स्क्वायर और टी की पावर 1/2 ऐसे हो, जब दोनों पावर को ऐड करोगे तो क्या होगा 2 प्लस 1/2 क्या होगा 5/2 तो आएगा। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, समझा जाना अभी, क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 1/2 तो लिख सकता हूँ ना, यही तो मैंने करा है बस यहाँ पे, माइनस 4 अपॉन 3 ये क्या लिख सकता हूँ मैं 2.2 की पावर 1/2, और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। इसके लिए आप चाहो तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख सकते हो कि टी की पावर 2 की पावर 5/2 इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी होती है स्क्वायर और 2 की पावर 1/2, इस तरीके से। चलो अब करा दो तो बेटा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 32 माइनस 4 अपॉन 3 2 की पावर 3 बेटा 8 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 टू जा 8 अपॉन 5 यहाँ पे पावर है 2 की पावर 1/2, यही तो हुआ। देखो तेरा ध्यान से, चलो आगे प्लस 4 अपॉन 3 यहाँ से ये 8 अपॉन 3 आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं अब बताओ बेटा, अब आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कैसे सिंपलीफाई करने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन जो अपर लिमिट्स लोअर लिमिट्स है ना उनकी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्म बन जाती है। अब जरा यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा 64/5 माइनस 32/5, ये क्या है 2 की पावर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है ना, तो क्या करेंगे यहाँ से इसका कॉमन ले लो, माइनस 2 की पावर 1/2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन
फाइव, माइनस का लिया था तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, एट अपॉन, ये तो आएगा। चलो तो भाई इसे आगे का सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 15 आ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा तो 16 × 180 यहाँ जाएगा 192, माइनस ये कितना हो जाएगा 158, यहाँ से 160 आ गया, ठीक है। चलो माइनस ये क्या हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा, इसका एलसीएम 15 हो जाएगा, यहाँ से आएगा 24, यहाँ से कितना आएगा 24, यहाँ से कितना जाएगा 40। चलो तो करा बेटा, ये कितना हो जाएगा 32/15 माइनस रूट टू, यहाँ से कितना आएगा बेटा 16/15, वो भी कैसा, माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यही आंसर आपका रहेगा, आई थिंक 32/15 प्लस रूट टू 16/15, ठीक है बेटा, यही आपका आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। चलिए चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बेटा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लेट करना है यहाँ पर कॉस एक्स को टी, यहाँ से क्या आएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स इजक्ल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स इजक्ल टू माइनस का डी टी आ गया। यहाँ से बेटा टी की वैल्यू कितनी है कॉस एक्स, तो एक एक करके पुट कराइए अब जरा, टी इजक्ल टू कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, टी इजक्ल टू कॉस पाई बाय 2, मतलब कि कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0, ठीक है इस तरीके से। चलो तो अब इन वैल्यू पुट करा दो बेटा, यहाँ पे देखो ये आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0, साइन एक्स को इसकी जगह आएगा डी टी और माइनस मैंने बाहर भेज दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आपको बताइए बेटा किसका फॉर्मूला होता है, माइनस बाहर 1/1 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, मतलब कि टी इसका फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, माइनस बाहर ही रहेगा, तो टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स 1, इस तरीके से कर दिया, टेन इनवर्स 0 का होगा टेन 0 पे, और टेन इनवर्स टेन पाई बाय 4 पे होता है, तो ये बेटा यहाँ पे 0, ये यहाँ से पाई बाय 4, तो यहाँ से 0 माइनस पाई बाय 4 बाहर माइनस है, तो इसे क्या हो जाएगा बेटा प्लस का पाई बाय 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका ये रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। जीरो से लेके 2 डी एक्स अपॉन 4 एक्स प्लस, वही है 4 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो क्या करेंगे, वही है देखो बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है ना, तो यहाँ पे 0 से लेके 2, ठीक है। अब क्या करा जाए, देखो जैसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में करते थे ना वही रखने दो, प्लस यहाँ पे क्या है भाई 2 तो दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे 2 डॉट 1/2 डॉट एक्स आ गया, तो 2ab माइनस, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 1/2 का स्क्वायर माइनस कर दो, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आ गया इस तरीके से। तो 0 से लेके 2 डी एक्स अपॉन, क्या करते हैं बेटा जो प्लस वाली टर्म्स होती है उन्हें एक साथ ले लो, तो 4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16, 16 मतलब कि 17/4 आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला हमारी टर्म क्या हो जाएगी प्लस की जाएगी 1/2 का होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म हमारी कैसी जाएगी माइनस की, तो 2 ये हो जाएगा हमारा 2 डॉट 1/2 डॉट एक्स, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया यहाँ से, तो 0/2 डी एक्स, बेटा इसको हम क्या ले सकते हैं, क्या इसको हम √17/2 लिख सकते हैं, और उसका होल स्क्वायर माइनस इसको क्या लिखेंगे बेटा, ये होगा हमारा एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, वो क्या होता है होल कर देते हैं, तो 1/2a, ये कितना है हमारा 1/√17/2, ये आ जाएगा यहाँ से। चलो आगे क्या करते हैं, लॉग ए प्लस एक्स, बेटा जब इस तरीके से होगा तो क्या आएगा ए प्लस एक्स, मतलब कि √17/2 प्लस एक्स माइनस 1/2, और यहाँ से √17/2 माइनस एक्स माइनस 1/2, इस तरीके से ये होगा, और इसकी यहाँ पर लिमिट लगा देंगे हम 2 से लेकर 0। इतना देखो बेटा, पहले
इतना समझ में आया सभी को? क्या करेंगे यहाँ पे देखो जरा, बाई रूट 17 बाई 2, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ऊपर यहाँ पर 1 अपॉन रूट 17 बचा हमारे पास। यहाँ से देखो बेटा, इसको सॉल्व करने जाएंगे अगर हम लॉग, तो जब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट, अब देखो इसमें कहीं एक्स की वैल्यू नहीं थी तो इससे कोई मतलब नहीं, सीधा इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो रूट 17 बाय 2। बेटा जब एक बार मैं यहाँ पे कहते हैं 2 पुट करता हूँ, ध्यान समझ, ऐसे पहले वो पहले सिंप्लीफाई कर दो, पहले मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ, तो 2x माइनस 1, देखो 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 2, और ये भी क्या हो जाएगा, रूट 17 बाय 2 माइनस माइनस का 2x माइनस 1 बाय 2, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब लिमिट्स के लिए यहाँ पे रख दो बाहर, एक बार 2 एक बार 0, तो 1 अपॉन रूट 17 लॉग, इसको तो अलग ही रखो। चलो करा बेटा, तो एक बार जब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, रूट 17 प्लस 2x माइनस 1, यहाँ पे आएगा रूट 17 माइनस 2x प्लस 1, भाई देखो नीचे का सेम टर्म है, कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 और 0, जितना छोटा इसे करने जा रहे हैं करते जाओगे उतना सिंपल होते रहेगा। अब वैल्यू पुट कर दो, तो लॉग, जब एक बार आपने 2 पुट करा, 17 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1, 17 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, ये आ गया माइनस लॉग रूट 17 प्लस 2 इंटू, इतना हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 0। चलो अब क्या करें, 1 अपॉन रूट 17 लॉग बाई 2, ये कितना हो जाएगा, देखो रूट 17 तो ऐसे जाने वाला है, 2 2 जा 4 प्लस कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे देखो क्या होगा, रूट 17 ठीक है माइनस 4, मतलब यहाँ पे आएगा माइनस का 3, देखो 2 2 जा 4 माइनस का 4 प्लस 1 माइनस का 3, ठीक है माइनस लॉग रूट 17 माइनस 1 और यहाँ पे रूट 17 प्लस 1, बेटा कितनी टिपिकल फॉर्म बन चुकी है यहाँ पे ना। क्या करेंगे देखो, लॉग a माइनस बी क्या होता है बेटा, लॉग a माइनस बी क्या होता है, लॉग a अपॉन बी, तो मैं यहाँ पे लॉग को एक साथ लूँगा। अब देखो क्या करेंगे, रूट 17 प्लस 3 अपॉन रूट 17 माइनस 3, बेटा ये चीज़ इसके नीचे आने वाली है, तो नीचे वाली चीज़ें तो सिर्फ उल्टा करके लिख सकते हैं, तो क्या होगा, रूट 17 प्लस 1 कहाँ जाएगा हमारा, सबसे ऊपर, रूट 17 माइनस 1 हमारा कहाँ जाएगा, इस तरीके से, ध्यान से समझना, लॉग a माइनस बी लॉग a अपॉन बी के बराबर होता है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वो एक स्टेप क्या करा है, इसको नीचे जाने की जगह सीधा मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया, तो हो गया। अब क्या करें, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कराइए, रूट 17 इंटू रूट 17 मल्टीप्लाई कराना है, तो क्या होगा बेटा, 17 प्लस रूट 17 प्लस 3 रूट 17 प्लस 3 अपॉन, यहाँ से रूट 17 कट गया, तो 17 और माइनस का रूट 17 माइनस का 3 रूट 17 और प्लस का 3, ये आएगा। तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, चलिए आगे बढ़े। तो इधर से 1 अपॉन रूट 17 लॉग, अब देखो यहाँ से 17 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 20, और ये कितना हो जाएगा प्लस 4 रूट 17 आ गया, भाई 3 रूट 17 और एक यहाँ पे 17 प्लस 3 यहाँ से कितना आएगा बेटा 20 आ गया, यहाँ से माइनस का जाएगा माइनस का 4 रूट 17, कुछ और कॉमन है बेटा, यहाँ से हमें दिख तो रहा है 4 कॉमन आ तो रहा है, तो लॉग 4, देखो यहाँ से लॉग 4 आ गया, चलो यहाँ से कितना बचेगा 5 प्लस रूट 17, यहाँ से भी यही है, तो 5 माइनस रूट 17 ये हो गया, तो 4 से 4 कट बेटा। अब क्या करेंगे, रेशनलाइज कर दो इसको, ठीक है ना, तो क्या करेंगे
5 प्लस रूट 17 अपॉन 5 माइनस रूट 17 इंटू जो इसका उल्टा, ठीक है, मतलब कि साइन चेंज करके यही यहाँ पर लिखना है, तो रूट 5 माइनस रूट 17, ठीक है, ये प्लस 5 कहाँ से आ गया, ठीक, चलो तो 1 अपॉन रूट 17 लॉग। अब बताओ 5 इंटू 5 बेटा, अच्छा ये तो सेम टर्म्स है, तो 5 प्लस रूट 17 का तो बेटा स्क्वायर हो गया यहाँ पर, नीचे देखो 5 का स्क्वायर माइनस रूट 17 का स्क्वायर, यही तो हुआ, तो 1 अपॉन रूट 17 लॉग, क्या करें, ये हो गया हमारा ऐसे ही रहने वाला है, तो रूट 17 का स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया 25 माइनस 17, तो 1 अपॉन रूट 17, तो 5 प्लस रूट 17 का होल स्क्वायर, पहले हटा दो कोई नहीं, ठीक है, अब कितना आएगा यहाँ से 8 आएगा, तो बेटा यही आंसर रहने वाला है आपका किसका, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन करा था हमने, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो फिर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा था, इंटीग्रेशन में नहीं था, कैलकुलेशन जब लिमिट हमने पुट करी तब हुआ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं फिर जल्दी से, वो भी कुछ इसी तरीके से है, लेकिन देखते हैं क्या उसके अंदर कुछ इस तरीके से फॉर्म बनेगी कि नहीं, चलो बेटा माइनस वन से लेके वन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करना है, तो देखो कैसे होगा, माइनस वन से वन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू डॉट वन डॉट एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, ये सबको आता है इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ जल्दी से कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस वन से ले वन एक्स स्क्वायर अपॉन बेटा ये किसका बनेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, बेटा माइनस का वन प्लस का फाइव कितना आएगा प्लस का फोर, फोर का मतलब टू का स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ से, तो मतलब कि वन अपॉन ए वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन टू, ये आएगा हमारा यहाँ से एक बार वन एक बार माइनस वन, वन बाय टू को ऐसे ही रख लो, तो टेन इनवर्स एक बार वन प्लस वन बाय टू रख दिया माइनस टेन इनवर्स माइनस वन प्लस वन बाय टू, ये कितना हो जाएगा वन बाय टू टेन इनवर्स वन हो जाएगा भाई टू अपॉन टू वन हो गया माइनस माइनस वन ये कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसका मतलब वन बाय टू टेन इनवर्स ये कितने के बराबर होगा बेटा पाई बाय फोर के बराबर होगा माइनस टेन इनवर्स टेन जीरो के बराबर होगा, ये यहाँ से कट जाएगा ये इससे कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा वन बाय टू इंटू पाई बाय फोर मतलब कि पाई बाय एट, ये पीछे वाला पार्ट तो जीरो हो गया, तो हमारा आंसर क्या रहेगा किसका क्वेश्चन नंबर सेवन का पाई बाय एट, चलिए क्वेश्चन नंबर एट को देखते हैं फिर, तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर एट को देखते हैं इस बार, क्वेश्चन नंबर एट में क्या बोला है वन से लेके टू वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर e की पावर टू एक्स डी एक्स, बेटा इस टाइप का क्वेश्चन हम कहते हैं 7 पॉइंट हमारी 6 एक्सरसाइज होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसमें हम कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर लिमिट्स का रोल नहीं था, तो यहाँ पर देखो लिमिट्स का करेंगे, अपर लिमिट कैसे करेंगे, देखो इनको दोनों को अलग अलग कर लो आप, ठीक है, वन से लेके टू वन अपॉन एक्स e की पावर टू एक्स डी एक्स माइनस वन से लेके टू वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर ए की पावर टू, इस तरीके से आपने कर लिया यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। अब बेटा क्या करना है यहाँ पे dx है, किसी एक में ही आप कहते हैं इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे को नहीं करेंगे, वो कैसे पहचानना होता है कि भाई जहाँ पे जो देखो ये तो लास्ट होने वाला है आई लेट, तो जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है क्या उसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या सेकंड वाला इसका पार्ट बन जाएगा, देखो वन अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस का वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, तो बन तो रहा है, तो हम इसमें लगाएंगे इसमें नहीं लगाएंगे इंटीग्रेशन को, ठीक है, चलिए कैसे करेंगे बेटा, देखो ये हमारा फर्स्ट होगा ये हमारा क्या होगा सेकंड होने वाला है, तो वन अपॉन एक्स इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद क्या होगा ए की पावर टू एक्स टू से लेके वन डी एक्स माइनस वन से लेके टू डिफरेंशिएशन ऑफ ए की वन अपॉन एक्स आगे क्या करेंगे ए की पावर टू एक्स डी एक्स और यहाँ पर डी एक्स हो गया इतना माइनस वन अपॉन ये हो जाएगा हमारा टू एक्स स्क्वायर ए की पावर टू एक्स डी एक्स वन से लेकर,
ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, देखो वन अपॉन एक्स ये क्या होगा, e की पावर 2x ही रहने वाला है, e की पावर 2x। अब क्या करें, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, इतना क्लियर हुआ। माइनस यहाँ पर इसका क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आएगा e की पावर 2x ऐसे के ऐसी। अच्छा बेटा यहाँ पे भी e की पावर 2x बाय 2 ये भी तो आएगा साथ में, यहाँ पे भी 2 आएगा, और यहाँ पर dx माइनस 1 से लेके 2 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर e की पावर 2x dx 2 1 1 अपॉन x, ठीक है, e की पावर 2x बाय 2 और 1 माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा देखो, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1 से लेके 2 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर ए की पावर 2x dx माइनस 1 से लेके 2 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर ए की पावर 2x, एक प्लस का एक माइनस का, इसको दोनों को काट दीजिए। अच्छा यहाँ पे बेटा देखो ये क्या हुआ है, जो है हमारा इंटीग्रेशन पूरा था ना, तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर लगेगा 1 अपॉन एक्स, ये पूरे के ऊपर ही जाएगा इस तरीके से। अब बताओ एक बार लिमिट, ये तो जीरो हो गया पीछे का पार्ट, तो 1 अपॉन 2 ए की पावर, जब आपने 2 रखा तो एक पावर 4 हो जाएगा, यहाँ से भी 2 आ गया, इतना पार्ट आ गया। माइनस अब क्या करेंगे आप, 1 अपॉन 1 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ए की पावर 2 रख दिया अपॉन 2, ये आ चुका है इस तरीके से। बेटा यहाँ से देखो ए की पावर 2 कॉमन है, अपॉन 2 वो भी कॉमन है, तो क्या बचेगा, ए की पावर 2 बाय 2 माइनस 1, जरा ठीक से चेक करो, ए की पावर 2 अपॉन 2, यहाँ पर इस तरीके से आंसर आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है इनका, क्वेश्चन नंबर 9, एमसीक्यू क्वेश्चन है लेकिन बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो x माइनस एक्स क्यू की पावर 1/3, मैं इसको अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा हमें ना यहाँ से क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, जैसे टिपिकल फॉर्म में दिया हुआ है। देखो बेटा क्या करेंगे, 1/3 1, आप क्या करेंगे यहाँ से बेटा एक्स क्यूब को कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, एक्स क्यूब को कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा, एक्स अपॉन एक्स क्यूब बचेगा ऐसे माइनस 1, और इस पूरे की पावर कितनी होगी बेटा 1/3, इस तरीके से नीचे एक्स की पावर 4 ऐसे जाने वाला है। अब यहाँ पे बेटा 1/3 1, आप क्या करेंगे इसे बाहर लेके आएंगे, तो एक्स की क्यूब की पावर 1/3, और ये क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कटा क्या बचा, 1/x² - 1 की पावर 1/3, बेटा ये हो गया एक्स की पावर 4 यहाँ पर डी एक्स, यहाँ पे 1/3 यहाँ पे 1, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये पावर कट जाएगी क्या बचेगा एक्स, यहाँ पे क्या है एक्स की पावर 4, चलो ये बचेगा 1/x² - 1 1/3 यहाँ पे आया डी एक्स, कितना आएगा 3। बेटा अब जरा ध्यान से समझो, अगर मैं इस वाले पार्ट को, ठीक है, या अभी आप इसको ऐसे ही समझो, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी, ये एक्स क्यूब ही था, इससे आपने यहाँ पे 4 था एक्स क्यूब बचेगा आपका, तो आप क्या करेंगे यहाँ से इसको लेट करो जरा, 1/x² - 1 पूरे को लेट कर लो, कितना होगा बेटा t, यहाँ से क्या आएगा माइनस का 2, देखो जो भी नंबर जो भी पावर आपको दिखाई देती है x के साथ वो तो आ जाती है माइनस के साथ ऊपर, और जितनी पावर है उसमें कर दो एक ऐड 3, ये आ जाएगा dx इक्वल टू dt। अब जरा बेटा यहाँ पे देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए dx ओवर x क्यूब, तो बाकी सबको उधर ले जाऊँ, तो dx ओवर x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, dt बाय माइनस का 2, इतना पार्ट हो गया। अब लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट चेंज करो यहाँ से, चलो उसे भी मैं यहाँ पे करा देता हूँ, तो t की वैल्यू कितनी हुई बेटा 1/x² - 1, एक बार जाएगा कितना हमारा 1/3, यहाँ पे क्या जाएगा, चलो देखो एक्स स्क्वायर तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1, बेटा 3 का स्क्वायर होता है 9 जो जाएगा ऊपर, तो 9 माइनस 1 कितना आया 8, अगली वैल्यू कैसे निकालोगे 1 पुट करोगे, तो 1/1² - 1 कितना हो जाएगा 0, तो दोनों लिमिट्स भी निकल चुकी हैं, आप पुट कराइए बस। बेटा dx / x³ की वैल्यू कितनी आई है dt / 2,
डी टी बाय माइनस का 1 बाय टू, इतना क्लियर। अच्छा इसको आपने कितना लेट करा था, इसको आपने लेट किया था टी, टी की पावर कितनी 1 बाय, टी की पावर कितनी 1 बाय 3। ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या, लिमिट्स बची, लिमिट्स हैं हमारी 8 से लेके 0, यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 0 है, तो माइनस का 1 अपॉन 2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा 1 अपॉन 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3, यहाँ पे 8, यहाँ पर 0, तो माइनस का 1 अपॉन 2 ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4, ठीक है 3 अपॉन 4, टी की पावर 4 अपॉन 3, एक बार 0 एक बार 8, तो माइनस का 1 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 4, अंदर रखवाइए बस वैल्यू, 0 की पावर 4 अपॉन 3 माइनस 8 की पावर 4 अपॉन 3, ये कुछ होगा यहाँ से, कुछ नहीं कट रहा है, तो माइनस का 3 अपॉन 8, बेटा ये 0 हो जाएगा, यहाँ से भी माइनस की टर्म ही आएगी 8 की पावर 4 अपॉन 3 है, कितनी है 4 अपॉन 3, कैसे आई होगी देखो, जब 1 अपॉन 3 प्लस 1 करा गया होगा ऐसे तो आई होगी, ठीक है, नहीं तो आप चाहो तो इसे ऐसे ही रख दो 8 की पावर 4 अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 3 अपॉन 8, यहाँ पे 8 की पावर 4 अपॉन 3। अब बेटा देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो ये अब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, तो 4 अपॉन 3 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन 3, तो 8 की पावर 1 अपॉन 3, इस तरीके से हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, तो आंसर आपका ये रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। अब जरा ऑप्शन ही मैच कर लें, ऑप्शन का था यहाँ पर कुछ, ऑप्शन में 8 की पावर 3 इंटू कैसे आएगा बताओ, 8 का क्यूब करेंगे, अच्छा ये भी कर सकते हैं हम, तो 3 इंटू क्यूब रूट है 8 का, तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 3 इंटू 2 कितना आएगा बेटा 6 आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इस तरीके से समझ में आया सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 7.10, ठीक है बेटा, चलिए बेटा कह रहा है इसके अंदर, इफ ध्यान समझेंगे इस क्वेश्चन को, 0 से लेके x t sin t dt दे रखा है, देन फाइंड f dash x क्या होगा, देखो करना क्या है क्वेश्चन को समझो जरा, पहले तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन निकाल देंगे, इंटीग्रेशन निकालने के बाद आप उसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, उसका आंसर आपको बताना है, देखो कैसे करेंगे बेटा, इसी को सॉल्व करने जाएं हम, अगर हम 0 से लेके x, तो ये वही वाला पार्ट आ गया हमारा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, वही वाला क्वेश्चन है, चलो तो इसके अंदर डायरेक्ट लगाना स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, कैसे करेंगे, फर्स्ट ऐसे ही आ जाएगा t इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt माइनस अगेन डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे हम, t का करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा साइन t dt और यहाँ पर dt आ गया, कहाँ से लेके कहाँ तक, x से लेके 0 तक, चलो तो t ऐसे ही रहने वाला है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का cos t माइनस माइनस, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ये 1 हो जाएगा, ये क्या आएगा माइनस का cos t dt, अभी नहीं पुट करेंगे वैल्यूज, तो t cos t माइनस का माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आएगा cos t x और 0, तो अब क्या करेंगे माइनस का t, ये माइनस यहाँ आएंगे t cos t प्लस, अब पुट करा दो x की वैल्यू पुट करो, तो माइनस का x cos x प्लस sin x आ गया माइनस, बेटा जब इसमें देखो जब 0 होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगी वाली पूरी टर्म, प्लस sin 0 ये होगा, तो माइनस का x cos x प्लस साइन एक्स, ये 0 है, साइन 0 भी हमारा 0, तो ये आया हमारा क्या इसका इंटीग्रल, अब इंटीग्रल के बाद हमें क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है इसका एफ डैश एक्स, तो ये है हमारा एफ एक्स, तो हमें क्या निकालना है इसका एफ डैश एक्स, कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो माइनस को बाहर ही रख लो, एक्स कॉस एक्स का कितना हो जाएगा बेटा माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, या अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, देखो माइनस यहाँ पे वही करेंगे, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये डिफरेंशिएशन है ध्यान रखेंगे, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है प्लस कॉस एक्स
एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, इतना हो गया बेटा, प्लस यहाँ पे dy बाई डी एक्स ऑफ साइन, इस तरीके से करना है। तो माइनस तो ऐसे ही रहने वाला है कि x ऐसे ही रहेगा, cos x का क्या होएगा, माइनस का साइन x, ठीक है, प्लस cos x, प्लस cos x ये हमारा वन हो गया है, इसका क्या होगा, साइन x का cos x होगा। तो बेटा देखो अब जरा माइनस की टर्म को अंदर छोड़ दो, मतलब कि अंदर मल्टीप्लाई करा दो माइनस की, माइनस माइनस प्लस, तो x साइन x माइनस cos x प्लस cos x, ये किससे कट गया, तो आंसर क्या आया, x साइन x। ऑप्शन से मैच करते हैं जल्दी से, तो हमारा जो ऑप्शन बेटा यहाँ पे मैच हो रहा है, वो हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है x साइन x ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 7.10 को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, आपके वन शॉट के अंदर। बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.11 का कहते हैं स्टार्ट करेंगे, जब तक के लिए आप सारे वीडियोस को देखिए, सबको समझिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट।